सुप्रभात विद्यार्थियों, संस्कृत पद पीयूषम कक्षा 10 के द्वितीय पाठ का ये चौथा और अंतिम भाग है। इसमें श्लोक संख्या 14 से श्लोक नंबर 18 पांच श्लोक की व्याख्या की जा रही है। तो शुरू करें। वक्त्रेण उत्पलनालेन यथोर्धम जलमाददेत तथा पवन संयुक्तः पादैः पिबति पादपः। वक्त्रेण उत्पलनालेन, वक्त्र माने होता है मुख, वक्त्रेण का मतलब हो जाएगा मुख के द्वारा या मुख से। अब यहाँ जो णो है ओ का यहाँ ऊ है, ये ऊ का ओ हो गया है। आप जान रहे हैं ऊ का ओ किस संधि से हुआ है। ऊ का ओ ई को ई ऊ का ओ किसमें होता है, ई का ए किसमें होता है। तो आप जान रहे हैं वक्त्रेण उत्पल नालेन अ और उ मिल करके ओ हुआ हो गया है। वक्त्रेण उत्पल नालेन, यहां गुण संधि। वक्त्रेण उत्पल नालेन, वक्त्रेण उत्पल नालेन, उत्पल माने होता है कमल, नालेन नाल माने नाल, कमल नाल जो एक स्ट्रॉ की तरह होता है। स्ट्रॉ माने वो पाइप जिससे हम कोल्ड ड्रिंक इत्यादि पीते हैं, उसी तरीके से वो जो कमल का नाल होता है, उस कमल नाल को तोड़ करके हम क्या करते हैं, वायु से मुख में डाल करके उसे वायु से ऊपर की तरफ जब खींचते हैं तो जल क्या होता है, ऊपर की तरफ हमारे मुख में जाता है। वही बताया गया है कि उत्पल नालेन यथा यथा जिस प्रकार से, यथा जैसे ऊर्ध्वम ऊपर की ओर जलम माने जल को उत्पल नालेन कमल नाल के द्वारा वक्त्रेण मुख से आददेत माने पी लेते हैं, अर्थात खींच लेते हैं, ले लेते हैं, किसे, जलम माने जल को। फिर से, यथा जिस प्रकार से ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ उत्पल नालेन, उत्पल नाल के द्वारा अर्थात कमल नाल से, यानी जिस प्रकार से कमल नाल के द्वारा ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ खींचने पर, वायु से ऊपर की तरफ खींचने पर वक्त्रेण मुख से जलम आददेत, यानी मुख से ऊपर की तरफ खींचने पर जलम माने जल को आददेत माने ले लेते हैं, अर्थात पी लेते हैं। तथा उसी प्रकार से पवन संयुक्तः, पवन से युक्त पादपः माने पौधा, पादैः ही अपने जड़ से, अर्थात पाद माने मूल, अर्थात जड़ अर्थात पैर, अपने जड़ से अर्थात मूल से जल को पिबति माने पीता है, यानी उसमें वायु का गुण विद्यमान होता है। इसी वायु के गुण के कारण वह जल को अपने जड़ के माध्यम से ऊपर की तरफ खींचता है। तो इसका मतलब ये कि इसमें वायु भी विद्यमान होता है, अर्थात वायु जो एक पंच महाभूतों में से एक है, वह इस जड़ में अर्थात इस स्थावर में अर्थात इस अचल शरीर में पाया जाता है। फिर से एक बार, उत्पल नाले ने यथा यथा जिस प्रकार से कमल नाल के द्वारा ऊर्ध्वम वक्त्रेण ऊर्ध्वम, जिस प्रकार से कमल नाल के द्वारा वक्त्रेण मुख से ऊर्ध्वम ऊपर की तरफ खींचने पर, यानी वायु से ऊपर की तरफ खींचने पर जल को आददेत जल को ले लिया जाता है, अर्थात जल को पी लिया जाता है। तथा उसी प्रकार से पवनः संयुक्तः, उसी प्रकार से पवन से युक्त पादपः पौधा, पादैः पिबति पाद के द्वारा, यानी अपने मूल के द्वारा, यानी अपने जड़ के द्वारा, यानी अपनी सोर के द्वारा क्या करता है, जल को पिबति माने पीता है। अर्थात यदि उसमें वायु का गुण विद्यमान नहीं होता तो नीचे से ऊपर की तरफ जल को वो खींच नहीं पाता, ये वायु से ही उसको खींचता है। ये बताने का प्रयास यहाँ पर भृगु जी महाराज कर रहे हैं। फिर अगला उन्होंने बताया कि दुख सुखयोश, 15वां श्लोक, दुख सुखयोश ग्रहणात्
ये ग्रहणा ग्रहण नहीं है, ग्रहणाच्छिन्नस्य च विरोहणात् जीवम पश्याम वृक्षाणाम अचैतन्यम। वृक्षाणाम के माँ से अलग हो जाएगा। जीवम पश्याम वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते, अचैतन्यम न विद्यते। सुख दुखयोः च, अब सुख दुखयोः च, सुख और दुख के ग्रहणात् माने ग्रहण करने से, सुख और दुख दोनों के ग्रहण करने के कारण, यानी सुख और दुख को वही ग्रहण कर सकता है जिसमें चेतनता पाई जाती है, चैतन्य पाया जाता है। सुख दुखयोश्च ग्रहणात्, सुख और दुख के ग्रहण करने से। छिन्नस्य च, कट जाने पर विरोहणात्, पूजने से, यानी कट जाए कहीं वृक्ष में तो वो पूज जाता है, अर्थात काट देने पर वृक्ष से नई जो है कलियां ऊपर की तरफ खिल जाती हैं, वह पूज जाता है और नई कलियां खिल जाती हैं, इस प्रकार से नए डाल उग जाते हैं, अर्थात कटने पर वह फिर से विरोहण को प्राप्त करता है, पूज जाता है। इस प्रकार भृगु जी महाराज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वृक्षाणाम वृक्षों में जीवन पश्यामी, वृक्षों में जीवन को यानी जीव को देख रहा हूँ, प्राण को देख रहा हूँ। अचैतन्यम न विद्यते, वृक्षों में अचेतनता विद्यमान नहीं होती है, बल्कि चेतनता विद्यमान होती है। अगर उसमें चेतनता नहीं होती, जीव नहीं होता तो चेतनता नहीं होती, और चेतनता नहीं होती तो वह सुख और दुख का अनुभव नहीं कर पाता, और काट देने पर फिर से उसमें फनगता नहीं वह, इस प्रकार उसमें चेतनता अवश्य ही पाई जाती है। सुख दुखयोश्च ग्रहणात्, सुख और दुख को ग्रहण करने से। छिन्नस्य च विरोहणात्, काट देने पर, विरोहण होने पर पूज जाने से, यानी काट देने पर उसके फिर से क्या हो जाने पर, अंकुर निकल आने पर, आने से। जीवम पश्यामि, इस वृक्षाणाम वृक्षों के जीव को देख रहा हूँ, अर्थात वृक्षों में जीव पाया जाता है, प्राण पाया जाता है, ऐसा देख रहा हूँ। अचैतन्यम न विद्यते, अचेतनता नहीं होती है, अर्थात अचेतनता विद्यमान नहीं होती है, अर्थात उसमें चेतनता विद्यमान होती है। फिर अगला श्लोक है 16वां श्लोक। तेन तज्जलम आदत्तम जरयति अग्नि मारुतौ आहार परिमाणाच्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। अब इस 16वें श्लोक में भृगु जी महाराज क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं तेन उसके द्वारा, अर्थात उस वृक्ष के द्वारा, तज्जलम जो जल, वह जल आदत्तम पिया गया यानी लिया गया, यानी वह जल जो उसके द्वारा लिया जाता है, वह तत् माने वह जलम माने जल, जो तेन उसके द्वारा आदत्तम पिया जाता है अर्थात लिया जाता है अर्थात पिया जाता है, उसे अग्नि मारुतौ जरयति, उसे अग्नि और मारुत अर्थात वायु जरयति माने पचाता है, अर्थात उसे पचाने का काम अग्नि और वायु करते हैं। आहार परिमाणाच, आहार के परिमाण होने से, अर्थात आहार के पच जाने के कारण, परिमाणाच यानी पच जाने के कारण, पच जाने से वृक्ष स्नेहो वृक्ष में स्नेह यानी चिकनापन आता है, और वृद्धिश्च जायते यानी वृक्ष में स्नेह और वृद्धि जायते माने उत्पन्न होती है, अर्थात वृक्ष में चिकनापन आता है और वृद्धि को प्राप्त करता है, यानी जो जल, वह जल जो तेन आदत्तम, जो उसके द्वारा पिया जाता है अर्थात उस जल उस वृक्ष के द्वारा लिया जाता है, उसे जरयति अग्नि मारुतो, उसे अग्नि और वायु जरयति माने पचाता है, उसे अग्नि और वायु पचाता है। आहार परिमाणाच, आहार के पक जाने यानी आहार के पच जाने के कारण स्नेह यानी चिकनापन आता है, और वृद्धिश्च जायते और वृद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात वह वृक्ष
चिकना होने के साथ साथ वृक्ष क्या यानी स्वस्थ होने के साथ साथ चिकनापन आने के कारण के साथ साथ वृद्धि सजायते वृद्धि को प्राप्त करता है। अगला श्लोक है 17वां श्लोक, बहुत सुंदर श्लोक है। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत चतुर्मासे विशेषेण बिना यज्ञादि कारणम्। अब एतेषां इन सर्ववृक्षाणां माने सभी वृक्षों को, इन सभी वृक्षों को का छेदन, इन सभी वृक्षों का छेदन यानी कटाई, इन सभी वृक्षों की कटाई नहीं उकारयेत कभी नहीं करना चाहिए। चतुर्मासे विशेषेण चार मास तो विशेष रूप से, चार मास कौन सा चार मास, वर्षा के वो चार मास जिसमें ये चिकनाई को और वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उन चार मास चार महीने वर्षा के चार महीने में तो विशेष रूप से नहीं काटना चाहिए। बिना यज्ञाधिकारणम, बिना यज्ञाधिकारण के तो उन चार माह में विशेष रूप से नहीं कटना चाहिए, काटना चाहिए। तो यहाँ ये बताया गया कि बिना यज्ञाधिकारण के इन सभी वृक्षों को का छेदन नहीं उकारे, छेदन नहीं करना चाहिए चतुर्मासे विशेषेण, और चार महीने अर्थात वर्षा के वो चार महीने तो विशेष रूप से उन्हें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि वो पोषण और लेकर के वृद्धि को प्राप्त करते हैं, उस वृद्धि काल में उसे छिनगाना नहीं चाहिए, काटना नहीं चाहिए। एकेनापि सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वासितम वै वनम सर्वम सुपुत्रेण कुलम यथा। अब एकेनामि तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसमें वृक्ष की महत्ता को बताया गया है। एकेनापि सुवृक्षेण एकमात्र सुवृक्ष से, सुंदर वृक्ष से, पुष्पितेन यानी पुष्पितेन यानी पुष्पित अर्थात फूलों से युक्त एकमात्र सुंदर वृक्ष से सुगंधिना सुगंधित हो जाता है। सुगंधिना माने सुगंधित। अब क्या सुगंधित होता है? एकमात्र सुंदर वृक्ष से क्या? एकेनाप सुवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना, पुष्प से सुगंधित, फूलों से सुगंधित यानी फूलों से लदे हुए और सुगंध से युक्त सुवृक्षेण एकेनाप एकमात्र सुंदर वृक्ष से सर्वम वनम वासितम, संपूर्ण वन को वही ही उसके द्वारा संपूर्ण वन को सुगंधित कर दिया जाता है। यथा जिस प्रकार से सुपुत्रेण कुलम सर्वम, जिस प्रकार से सुपुत्र से संपूर्ण कुल सुगंधित हो जाता है, संपूर्ण कुल सुशोभित हो जाता है, उसी प्रकार से अर्थात जिस प्रकार से सुंदर पुत्र से यानी एक गुणी सुपुत्र से संपूर्ण कुल सुगंधित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है, उसी प्रकार से पुष्पितेन फूलों से लदे हुए यानी फूलों से युक्त सुगंधिना सुगंध फूल और सुगंध से फूल और सुगंध से युक्त सुवृक्षेण सुंदर वृक्ष से एकमात्र सुंदर वृक्ष से वासितम वनम सर्वम संपूर्ण वन सुगंधित हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर वृक्षों के विषय में, लताओं के विषय में, उसकी चेतनता के विषय में, उसके गुण दोषों के विषय में यहाँ पर उन्होंने बताया। सभी जो शंकाएँ थी महर्षि भरद्वाज के मन में, उन समस्त शंकाओं को दूर करते हुए उन्होंने स्थावरों में भी चेतनता और पंच महाभूत तथा पंच सूक्ष्म महाभूत पंच महाभूत और पंच सूक्ष्म महाभूत यानी जिसे ज्ञानेंद्री कहा जाता है वह भी इसमें पाया जाता है, स्थावरों में भी। इस प्रकार जड़ और चेतन दोनों में ही पांचों महाभूत पाए जाते हैं और पांचों ज्ञानेंद्रियां पाई जाती हैं। इसका वर्णन करके उन्होंने अपनी वाणी को विराम दिया। थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद देवियों, आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा समझा, अच्छे से रिपीट कर लीजिए, जिस श्लोक में समस्या हो रिपीट करके आप उसे पढ़ लीजिए। और चूँकि मैंने दो
गद्य से दो पाठ और पद्य से दो पाठ आपको पढ़ा दिया हूँ। बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाऊँगा नहीं ऐसे, इसलिए अब इसका जो नोट है वो देने का मैं प्रयास करूँगा और नोट मैं आप लोगों को दे दूँगा। और ख़ास करके जितने भी श्लोक हैं सभी श्लोकों के गद सभी श्लोकों के चाहे श्लोकों के जो व्याख्या है वो हिंदी में आपको निश्चित रूप से आना चाहिए। जो गद्य हैं गद्य की व्याख्या आप लोगों को आनी चाहिए, लेकिन कुछ निश्चित गद्य मैं आपको टिक करके बताऊंगा जिसको आप क्या करेंगे, जिसको आप व्याख्या करेंगे अपने फेयर कॉपी में, संदर्भ में ही प्रसंग डाल देंगे या प्रसंग का भी हेडिंग डाल सकते हैं और उसके बाद व्याख्या या हिंदी गद्य का अनुवाद लिखते हैं, इसमें व्याख्या लिखते हैं श्लोक में। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।